हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपको एक बार मेरे चैनल पे स्वागत है। कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। ओके, तो आज का हमारे क्वेश्चन है, टोटल हम आज 4 क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है, एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है डाइपोल में से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे 4 क्वेश्चन। इसमें टोटल हम अटेंड करेंगे 12 क्वेश्चन। ठीक है, 4 4 4 के पैटर्न में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेवरल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैटर्न्स आर शोन इन द डायग्राम बिलो, विच ऑफ दीज पैटर्न्स आर करेक्ट। तो हमें कह रहा है कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ करेक्ट है और कुछ इनकरेक्ट है। तो हमें कह रहा है कि उसमें से करेक्ट कौन सा है बताओ। तो हम देखते हैं, फिर हम उसका एनालिसिस भी करें, क्यों करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं ए से। पॉइंट ए एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। और हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होनी चाहिए, आउटवर्ड होनी चाहिए, एग्जैक्ट आउटवर्ड भी है। सेकेंड, हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिक होनी चाहिए थी। तो देख सकते हो ये सिमेट्रिक लाइन्स है ना। तो सिमेट्रिक लाइन है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए कैसा है, करेक्ट है। ऑप्शन बी में आते हैं। ऑप्शन बी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, इनवर्ड, तो इनवर्ड है, ये भी करेक्ट है। फिर कैसा है, सिमेट्रिक भी है, हाँ सिमेट्रिक भी है, तो सेकंड भी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सी 100% रॉन्ग दिख रहा है तुम्हें, क्योंकि पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड देखो, सेकंड में भी इन मीन्स डी में भी पॉजिटिव है, आउटवर्ड है, करेक्ट है, लेकिन तुम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन भी कैसा है, रॉन्ग है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी क्वेश्चंस आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर या फिर तो बोर्ड एग्जाम्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड, वो लगभग सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, तुम्हारा बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे तुम्हें समझ में आ गया, उसके गुणधर्म समझ में आया है, तो तुम आराम से इसको हल कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर अ कन्फिगरेशन ऑफ टू चार्जेस आर करेक्ट और नॉट। हमें कह रहा है कि ये जो दो चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिखा रहा है, ये कन्फिगरेशन या फिगर जो है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों में आउटवर्ड है, सिमेट्रिक भी है, सब करेक्ट है, लेकिन तुम्हें एक चीज यहाँ पे देख रहे हो, वो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और हमने क्या पढ़ा था, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू इच अदर, देन द टेंजेंट ड्रॉन ऑन देम रिप्रेजेंट द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉट पॉसिबल, है ना। अगर किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा अगर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो वे क्या करेंगी, वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो उस पर खींचा गया स्पर्शक उसकी दो दिशाओं को दर्शाएगा, जो कभी भी विद्युत क्षेत्र के लिए संभव नहीं है। यानी ये इंटरसेक्ट कर रहा है, या इसका मतलब है कि ये क्या है, ये एक कैसा है, ये करेक्ट नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, यानी फिगर इनकरेक्ट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके, देखो थर्ड क्वेश्चन हमें कह रहा है, एज शोन इन द फिगर सेवरल लोकेशन आर लेबल ऑन द डायग्राम, रैंक दिस लोकेशन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फील्ड स्ट्रेंथ। हमें कह रहा है कि फिगर में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए, लोकेशन दिए हैं, तो हमें कह रहा है कि इसको सबसे कम इंटेंसिटी वाले फील्ड लाइन से मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले फील्ड लाइन की तरफ पॉइंट को बताओ। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे कम कहाँ पर है, तो हमने पढ़ा था इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी इज मोर देन द इंटेंसिटी इज ऑल्सो मोर। तो यहाँ पे सबसे कम कहाँ पर है, तो यहाँ पे सबसे कम डेंसिटी है, तो हमारा पॉइंट सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है डी। ठीक है, तो सबसे कम यानी लो इंटेंसिटी वाला पॉइंट कौन है, डी है। फिर कौन है, तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन, है ना।
एंड ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r2। अगर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, सॉरी एफ प्रोपोर्शनल टू ई एंड एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू, और ई प्रोपोर्शनल टू 1/r2। अगर ई 1/r2 के प्रोपोर्शनल है तो ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो उससे कम कौन है? हमारा ए है ना। अब इसके बाद कौन आता है? तो मैं देख रहा है उसी को अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे देखो ये पास में है लेकिन यहाँ पे डेंसिटी थोड़ी सी कैसी है, तो ये डेंसिटी थोड़ी सी कम है कंपेयर टू सी, क्योंकि बी की तो मैक्सिमम है, कंपेयर टू सी ई की डेंसिटी थोड़ी कम है, तो हम किसको ले लेंगे? ई। उसके बाद ऑब्वियसली सी, और फाइनली कौन है? बी। तो बी में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है और डी में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? मिनिमम है। तो मैक्सिमम कौन सा है? लार्जेस्ट स्ट्रेंथ है पॉइंट बी पर, और स्मॉलेस्ट स्ट्रेंथ है कहाँ पर? पॉइंट डी पर। सो डी के बाद कौन है? ए, फिर कौन है? ई, फिर कौन है? सी, फिर कौन है? बी। यहाँ पे ई के कंपेयर में ये पॉइंट पे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दिख सकता है कि जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की वो यहाँ पर ज़्यादा है कंपेयर टू दिस पॉइंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैलकुलेशन है। कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ स्ट्रेंथ 10 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे? डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो हम पहले एक डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया प्लस क्यू, क्लियर, या इसको हम माइनस क्यू ले लेते हैं। ये हो गया हमारा प्लस क्यू, और ये हो गया लाइन जॉइनिंग टू डाइपोल, और ये हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हमें क्या क्या दिया हुआ है? Q दिया हुआ है, Q मोड ऑफ Q इज इक्वल टू 500 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 500 इंटू 10^-6 कूलम इज इक्वल टू 5 इंटू 10^-4 कूलम। क्लियर? फिर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है D इज इक्वल टू 2A इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। याद है ना, दिस इज ए। ओके, नेक्स्ट, हैविंग अ चार्ज ऑफ 500 एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके एक्सिस पर एक पॉइंट है, ये हो गया पॉइंट पी, और पॉइंट पी का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है? 20 सेंटीमीटर। ओके, सो फ्रॉम दिस पॉइंट दिस इज 25 सेंटीमीटर। सो वी हैव डिस्टेंस मीन्स x इज इक्वल टू 20 + a इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और वी कैन राइट इट 5 × 10^-2 meter एंड 25, सो वी कैन राइट इट 25 × 10^-2 meter। क्लियर? ओके, सो वी हैव x 25 × 10^-2 meter। ओके, सो ऑन द चार्ज q इज डैश, सो हमें क्या फाइंड करना है? द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन्स वी नीड टू फाइंड E इज इक्वल टू डैश। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ E? E इज इक्वल टू 2kpx अपॉन x² - a² power 2। अगर तुम्हें ये वीडियो वापस से देखना है तो तुम वीडियो को पॉज करके आई बटन पे क्लिक करके आप जाके वीडियो को देख सकते हो, जिसमें हमने क्या फाइंड किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। उससे हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो हमने दो जगह पे ये फील्ड को फाइंड किया था, एक इक्वेटोरियल यानी कि उसके विषुवत रेखा पर आया हुआ बिंदु के लिए हमने फाइंड किया, दूसरा हमने उसके अक्ष पर आए हुए बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त किया था। उसमें से एक फॉर्मूला हो गया ये, उसके अक्ष पर आए हुए बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान। तो ए इज इक्वल टू 2kpx / x² - a² होल स्क्वायर। क्लियर? कुछ नहीं करना है, सारा वैल्यू अपने पास है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर फाइंड कर लेंगे। क्लियर? ओके, 2 × k 9 × 10^-9, p इज इक्वल टू 2a mod of q × x / x² - a² power 2। सो आंसर 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36, सो 36 × 10^-9, 2 × 9 = 18, 18 × 2, सो a q x, a इज इक्वल टू 5 × 10^-2 - 2, a q इज इक्वल टू 5 × 10^-4,
एंड एक्स एक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 10 रेस टू माइनस टू अपॉन 25 इंटू 10 रेस टू माइनस टू होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10 रेस टू माइनस टू होल स्क्वायर स्क्वायर. क्लियर? सो आंसर 25 तो 36 इंटू 625. क्लियर? इंटू 10 रेस टू माइनस टू माइनस टू माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर माइनस एट इंटू 1 मीन्स 1. क्लियर? माइनस टू माइनस टू माइनस फोर 5 एंड 36 अपॉन 25 स्क्वायर 625 माइनस 25 क्लियर होल स्क्वायर इंटू 10 रेस टू माइनस सॉरी इंटू 10 रेस टू माइनस 4 होल स्क्वायर. नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू एंड पुट द आंसर हियर. क्लियर? ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट एक्सिस ऑफ द डाइपोल. तो आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंपल था तो हमने सिंपल क्वेश्चन लिया. जो एक्चुअली हमने जो क्वेश्चन लिया है लास्ट क्वेश्चन AIPMT के क्वेश्चन 2001 का था और बाकी तीन क्वेश्चन मैंने AIPMT और AIEEE के मैंने क्वेश्चंस लिए हुए थे जो लास्ट के प्रीवियस बोर्ड के अंदर ऑलरेडी प्रीवियस जो एंट्रेंस एग्जाम से उनके अंदर आ चुके हैं. तो सारे क्वेश्चन आज जो मैंने लिया है वो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर है. नेक्स्ट हम थोड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो थोड़े बड़े हैं जिनका सॉल्यूशन ठीक है थोड़ा बड़ा बड़ा सॉल्यूशन है ताकि हमें बोर्ड में भी हेल्प हो. मैं तो पहले भी कह चुका हूँ हमारा जो ये वीडियो है आपको मैक्सिमम हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में. थैंक यू वेरी मच.